दोस्तों आज हम बात करेंगे बैक प्रेशर के लिए। बैक प्रेशर क्या होता है, कैसे काम करता है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में बैक प्रेशर का क्या रोल होता है, प्लास्टिक प्रोडक्ट जब बनाते हैं हम तो उसमें बैक प्रेशर का क्या रोल होता है। देखिए, बैक प्रेशर जो होता है वो एक प्रेशर होता है जो कि इंजेक्शन सिलेंडर से ही लगता है, और जिस सिलेंडर से इंजेक्शन होता है मटेरियल का उसी से ही बैक प्रेशर लगता है। होता ये है, पीछे एक हाइड्रो मोटर लगी होती है जिससे स्क्रू रोटेट होता है और वहाँ से दो वॉल्व जाती हैं, एक इंजेक्शन वॉल्व जाती है जिसका काम इंजेक्शन करना है, एक बैक प्रेशर वॉल्व लगी होती है जिसका काम बैक प्रेशर क्रिएट करना है। बैक प्रेशर क्यों लगाते हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है, मटेरियल को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए बैक प्रेशर को लगाया जाता है, और यूनिफॉर्म मिक्सिंग करने के लिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आप मास्टर बैच यूज़ कर रहे हैं तो मास्टर बैच में ये होता है कि जो कलर जितने अमाउंट में आपको चाहिए होता है जिस तरह से उसी में आना चाहिए, तो उसके लिए बैक प्रेशर का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बैक प्रेशर करता क्या है, अगर आप जितना ज़्यादा बैक प्रेशर देते हैं तो स्क्रू जो होता है रिफिलिंग इंजेक्शन करने के बाद जब रिफिल कर रहा होता है तो वो बहुत ही आराम से पीछे की तरफ यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी जो शॉर्ट साइज आपने दिया है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। और जितना ज़्यादा बैक प्रेशर होता है उतना ही धीरे स्क्रू रोटेट करता है। धीरे रोटेट करने की वजह से जो मटेरियल स्क्रू के पीछे की साइड से आगे आ रहा होता है वो धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे आने की वजह से वो और ज़्यादा ही अच्छी तरीके से मिक्स होता चला जाता है, जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसमें काफ़ी सुधार आता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। इसके अलावा मटेरियल के जो दाने होते हैं छोटे बड़े होते हैं, अगर मान लो ग्राइंडिंग भी है तो वो भी यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं आता है। शॉर्ट मोल्डिंग या फ्लैश या फिर बबल मार्क जैसी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये रोल था बैक प्रेशर का। बैक प्रेशर का रोल बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। हालांकि जो मार्केट में बताया है, लोगों को बताया गया है कि बैक प्रेशर काफ़ी कठिन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा ही इजी है, और अगर आप प्योर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो बैक प्रेशर कोशिश करिए कम से कम देने की, और अगर आप कटिंग यूज़ कर रहे हैं यानी ग्राइंडिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो आपको बैक प्रेशर ज़्यादा देना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि तभी प्लास्टिक के मटेरियल जो है वो यूनिफॉर्म मिक्सिंग करेंगे और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार होगा। बैक प्रेशर का रोल होता है शॉर्ट मोल्डिंग को ख़त्म करने में। अगर मान लीजिए आपने बैक प्रेशर बहुत कम दे दिया, जीरो ही दे दिया, और आपने ऐसे बिना बैक प्रेशर दिए ही आरपीएम कुछ भी दे दिया और चला दिया, तो इस बात की 100% गारंटी है कि आपका जो है शॉर्ट मोल्डिंग आएगा ही आएगा। इस तरह से शॉर्ट मोल्डिंग को कंट्रोल करने में बैक प्रेशर का रोल होता है, और बैक प्रेशर जो होता है वो प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी का बनाता है। बैक प्रेशर आप बहुत सोच समझ के दिया करिए, ज़्यादा बैक प्रेशर भी नहीं दिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा बैक प्रेशर अगर आप दे देंगे तो स्क्रू के लिए रोटेट होने में दिक्कत हो सकती है, तो बैक प्रेशर उतना ही देना है जितने में हमारा काम चल जाए, जितने हमारा मेटल मिक्स हो जाए। बस ये ध्यान रहे कटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और प्योर मेटल में बैक प्रेशर कम रहता है। तो ये दोस्तों थी आज की जानकारी बैक प्रेशर को लेकर के, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए जितना हो सके। अगर आपको कंटेंट में कोई शिकायत मिल रही हो, कोई कमी मिल रही हो तो हमें बताएं और हम आगे और सुधार करने कोशिश करेंगे। बैक प्रेशर के बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों डिफेक्ट पे, मोल्डिंग के डिफेक्ट पे बात करेंगे। फिलहाल अभी हमने सिल्वर और श्रिंकेज पे, फ्लैश पे शायद बात किया है, और अभी शॉर्ट मोल्डिंग पे भी बात करेंगे। इसके अलावा और भी एक दो डिफेक्ट हैं जिस पे हम बात करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और धन्यवाद दोस्तों, और जय हिंद जय भारत।